हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिंपली एंड मीनिंगफुली। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए ओवर द स्क्रीन, फोन स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन या जो भी हमारा यूजर इंटरफेस है उस स्क्रीन पे, मतलब यूजर इंटरफेस के लिए जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने वाले हैं उसको सिंपली और मीनिंगफुली में किस तरह से रिप्रेजेंट करें। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन सिंपली एंड मीनिंगफुली, मतलब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को यूजर इंटरफेस पे, यानी यूजर जो जिस भी इंटरफेस पे यूज करेगा या वर्क करेगा, उस यूजर इंटरफेस पे हम जो भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, यानी कैसे सिंपल और मीनिंगफुल तरीके से रिप्रेजेंट करें जहां से ज्यादा यूजर एक्सपीरियंस को हम गेन पाए। तो कह रहा है कि जो भी प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन सिंपली एंड मीनिंगफुली इज ए क्रूशियल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड द पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस। तो एक तरह का क्रूशियल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, यानी एक यूजर हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम से आसानी से कम्युनिकेट कर पाए जिससे हम क्या करें, एक पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस को गेन कर पाए। ठीक है, यूजर्स को क्या करें, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। अब अगर हम बात करें सिंपलिसिटी एंड क्लियरिटी इन द प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प यूजर अंडरस्टैंड द कंटेंट क्विकली, मतलब जब हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हमारी इंफॉर्मेशन सिंपलिसिटी हुई यानी क्लियर भाषा में हुई तो हम जो भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको जो भी हमारा यूजर अंडरस्टैंड करेगा एंड कंटेंट को क्विकली और इजिली, मतलब जल्दी से जल्दी उस कंटेंट को समझने की कोशिश करेगा और समझ जाएगा। ठीक है, लीडिंग टू द बेटर कॉम्प्रिहेंशन एंड एंगेजमेंट, जिससे क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा यूजर्स के अटेंशन को गेन कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को गेन करेंगे। अब अगर हम बात करें कि इस एक कह रहा है कि हियर आर द सम स्ट्रेटेजी टू अचीव सिंप्लिसिटी एंड मीनिंगफुलनेस इन द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन, तो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंप्लिसिटी और मीनिंगफुल अचीवमेंट्स है, मतलब कैसे स्ट्रेटजी है, किस तरह से उसको अचीव हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा क्लियर एंड कॉन्साइज लैंग्वेज है। देखो, सबसे पहले बात आती है, जो भी हम इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं दो तरीके से कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट में टाइपोग्राफी की हेल्प से, या तो विजुअल हायरार्की से। ठीक है, या तो विजुअल के हेल्प से हम जो भी डेटा होगा उसको प्रेजेंट करेंगे या तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। तो जो भी हमारा डेटा है, ठीक है, अब बात करें क्लियर एंड कॉन्साइज लैंग्वेज का यूज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, एंड जार्गन फ्री लैंग्वेज। जार्गन फ्री लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जो भी घुमाऊदार ऐसी वर्ड होती है, मतलब जिससे यूजर ज्यादा कंफ्यूज हो सकता है, तो उसको जार्गन फ्री लैंग्वेज कहते हैं। मतलब हमें पॉइंट टू पॉइंट रखना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेके आना है, ठीक है, इजीली कम्युनिकेट करना है, तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड और जार्गन फ्री लैंग्वेज का यूज करना है। और हमें अवॉइड करना है कि जो भी जितनी भी अननेसेसरी और टेक्निकल टर्म्स हैं और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसको क्या करना है कि साइड करना, उसको हटा देना है, क्लियर रखना है, कॉन्साइज रखना है, जिससे यूजर क्या हो, कंफ्यूज ना हो। तो हमें अवॉइड करना है, यानी बचना है टेक्निकल टर्म से, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के, अननेसेसरी कंडीशन से, मतलब अननेसेसरी बातों से, तो जिससे क्या करेगा, यूजर आसानी से अपने, मतलब जो भी हमारा कंटेंट है उसके ऊपर फोकस कर पाएगा, तो जो भी प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन सिंपली और मीनिंगफुल हो जाएगी। उसके बाद आता है विजुअल हायरार्की। देखो, विजुअल हायरार्की के अंदर क्या आता है, हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी कंटेंट को, किसी भी कंटेंट को हम किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं विद क्लियर विजुअल हायरार्की, मतलब विजुअल हायरार्की के हेल्प से हम किसी भी कंटेंट को क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट करते हैं ओवर द स्क्रीन। ठीक है, यूजिंग हेडिंग्स हो गई, सब हेडिंग्स हो गई, बुलेट पॉइंट हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो क्या करता है, इट इज ए स्कैनेबल, तो वहां पे यूजर क्या करता है, आसानी से स्कैन करता है। अब हम किसी भी कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पे हम हेडिंग का यूज करें, सब हेडिंग्स का यूज करें, जो भी पॉइंट्स है उसको हम बुलेट पॉइंट्स का यूज करें, एक स्ट्रक्चर यूज करें, तो वहां पे यूजर का क्या करता है कि आसानी से उस पर फोकस कर पा सकता है, अटेंशन दे सकता है। उसके बाद आता है चंकिंग। तो चंकिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी अगर हमारी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, तो उसको हमें क्या करना है, छोटे छोटे मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करना है। ठीक है, कह रहा है कि ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू द स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स, मतलब जो भी बड़ी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, मतलब अगर हम मान लें कि हमारे पास कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन है तो उस बड़ी इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड करेंगे जिसको हम आसानी से मैनेज कर सकें। तो प्रेजेंट कंटेंट इन द शॉर्ट पैराग्राफ और बुलेट लिस्ट, ठीक है, तो जिससे रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब
चीजों को पढ़ने की क्षमता रीडेबल हो जाता है, आसानी से यूजर उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि क्लियर एंड कॉन्साइज लैंग्वेज का, दूसरा विजुअल हायरार्की, उसके बाद चंकिंग। चंकिंग में क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे मैनेजेबल चंक्स में हम डिवाइड कर देते हैं, जिससे वो क्या होता है, शॉर्ट पैराग्राफ्स, बुलेट लिस्ट हो जाता है, और इस पे क्या होता है, पढ़ने में हमें आसानी होता है। अब आगे बात करें यूज ऑफ विजुअल्स। हम जब विजुअल्स का यूज कर रहे हैं तो ठीक है, इनकॉर्पोरेट विजुअल्स सच एज आइकन, इमेज एंड इंफोग्राफिक्स, ठीक है, तो जो ये एनहेंस करते हैं अंडरस्टैंडिंग, ऐड और क्या करते हैं, ऐड करते हैं विजुअल इंटरेस्ट टू द कंटेंट। अगर हम क्या करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर जो भी हम यूआई बना रहे हैं, यूआई के अंदर हम क्या करते हैं विजुअल्स को यूज करते हैं, तो विजुअल्स क्या करता है कि एनहेंस कर देता है अंडरस्टैंडिंग को, जिससे यूजर्स क्या कर सकता है कॉन्टेंट के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सकता है। अब बात आती है व्हाइट स्पेस की। व्हाइट स्पेस क्या करता है, अलाउ करता है सफिशियंट व्हाइट स्पेस अराउंड द कंटेंट। जो भी हमारा कंटेंट है उसके चारों तरफ एक सफिशियंट हमें क्या करना है, व्हाइट स्पेस को छोड़ना है, जिससे क्या करता है कि एलिमेंट प्रोवाइड करता है विजुअल, ठीक है, स्पेस एंड रिड्यूस क्लटर होता है, ठीक है। अब आता है प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। देखो प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर, व्हाइट स्पेस लगभग हम हर टॉपिक में पढ़ ले रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम हर एक जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिजाइनिंग के पार्ट में। तो प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी रिले है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ग्रेजुअली प्रेजेंटिंग करना ओनली एसेंशियल डिटेल इनिशियली, तो जो भी एसेंशियल डिटेल हमको बस उसको प्रेजेंट करना, बाकी अगर आपको ज्यादा जानना है तो मोर ऑप्शन हम वहां पे रखते हैं कि मतलब जो भी एसेंशियल पार्ट है बस हम उसको शो कराते हैं, बाकी जितना पार्ट है पूरी इंफॉर्मेशन को हम नहीं शो कराते हैं। वहां पे अगर यूजर इंटरेस्टेड होगा तो व्यू मोर करके पूरी इंफॉर्मेशन को देख सकता है, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद यूजर सेंटर्ड लैंग्वेज होगा, ठीक है, तो यूजर सेंटर्ड लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, फ्रेम्स इंफॉर्मेशन फॉर द फ्रॉम द यूजर्स, ठीक है, प्रस्पेक्टिव एड्रेसिंग दियर नीड्स एंड एम्फेसाइज बेनिफिट्स। तो हम क्या करते हैं कि यूजर्स की फोकस को, यूजर्स की नीड क्या है, यूजर्स किन चीजों पे जोर देने वाला, उन सारी चीजों के ऊपर फोकस करके उन सारी चीजों के ऊपर हम काम करते हैं, उसको क्लियर बनाने का काम करते हैं कि किसी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो क्लियर और मीनिंगफुल हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ एग्जांपल्स। जब क्या होता है हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि अपने वेबसाइट एप्लीकेशन, या फिर कैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम, या फिर हमारी जो भी सर्विस है उसमें अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म्स आता है तो उसको हम क्या करते हैं इलस्ट्रेट करने के लिए, कॉन्सेप्ट जो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है हम रियल लाइफ एग्जांपल्स को रखते हैं, जिसको क्या करना है, जिससे यूजर आसानी से रिलेट कर पाए और इजीएस्ट क्या कर सकते हैं उसके साथ इंटरेक्ट कर पाए आसानी से, और उस एग्जांपल के हेल्प से वो क्या करे उस प्रॉब्लम को आसानी से, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझ पाए। उसके बाद स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, हमें जो भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट हम कर रहे हैं एक तरह से स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। सपोज दैट जब एडवर्टाइजमेंट आता है तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि जनरली देखते होंगे कि जो भी रियल लाइफ से आपसे रिलेटेड है, सपोज दैट घर के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, मतलब कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट ज्यादातर क्या होते हैं कि घर से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि घर तो भाई सबके पास होता है, तो घर से लोग ज्यादातर रिलेट कर पाते हैं अपने होम से, ठीक है। तो वहां पे जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम को दिखा के, चाहे वॉल्स का, पेंट्स का, या फिर पाइप्स का, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मार्केट में तो आते हैं, तो आप क्या करते हो वो आपके रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, उसके बाद एक स्टोरी टेलिंग बनाते हैं, जिससे मतलब स्टोरी कहना, तो उससे क्या करता है कि यूजर एक आसानी से इंटरेक्ट कर पाता है इमोशनली, ठीक है, इमोशनली क्या कर सकता है, डीपर तक कनेक्शन हो जाता है उस कंटेंट के साथ उसका। कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जिसको हम भूल नहीं पाते, ठीक है, तो उसके साथ हमारा कनेक्शन, इमोशनली कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो चीजें हमारे साथ भी होती हैं, हमारे घर में भी होती हैं, तो उसके साथ हम इंटरेक्ट कर पाते हैं। और यही चीज होती है जो भी एक डिजाइनर होता है उसको फेमस करता है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी मेन पार्ट होता है, या फिर कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर पार्ट होता है कि वो किस तरह से यूजर के साथ इंटरेक्ट कर पाता है कितना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंट स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का यूज करना है। कंसिस्टेंट स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग का मतलब कि अगर आप वेबसाइट के अंदर किसी एक फॉर्मेट या स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं तो नेसेसरी होगा कि, या फिर जरूरी होगा कि आप उसको मेंटेन करके रखें ओवर द पूरा, जब तक कि आपका पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम कंप्लीट नहीं हो जाता, उस कंसिस्टेंसी को आप बनाए रखें, तो उससे क्या होता है कि यूजर आसानी से इंटरेक्ट कर पाता है। मेंटेन द कंसिस्टेंट डिजाइन स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग द थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन टू क्रिएट द
जो भी हमारे पब्लिक लॉक होते हैं ये सारी चीजें, तो यूजर आसानी से इंटरेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CTA के नाम से जानते हैं। तो हम इंक्लूड करते हैं क्लियर एंड एक्सेसिबल, मतलब ऐसी बटन जिसपे एक्शन, यूजर जिसके थ्रू एक्शंस को परफॉर्म कर पाता है, उसी को कॉल टू एक्शन कहते हैं। ठीक है, जहां पे इसको क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट हो गया, स्पेसिफिक स्टेज हो गया, इन सारी चीजों को भी हमें फोकस करना है, इसको कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, इसको भी एक सिंपल वे में हमको रिप्रेजेंट करना। उसके बाद यूजर टेस्टिंग हो गया, हमको कंडक्ट कराना है यूजर यूएसबिलिटी को, जो भी कंडक्ट होता है मतलब यूएसबिलिटी टेस्टिंग को, जहां पे यूजर्स का विद इन द टारगेट यूजर्स टुगेदर फीडबैक ऑन द सिंपलिसिटी एंड मीनिंगफुलनेस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूएसबिलिटी टेस्टिंग को टारगेट करना है, और उसके बाद जो भी यूजर हो क्या करे, गेदर इन्फॉर्मेशन करे, फीडबैक ले सिंपलिसिटी और मीनिंगफुली से ऑफ द इन्फॉर्मेशन, कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओवर द स्क्रीन वो कितनी सिंपलिसिटी है और कितना मीनिंगफुल है, यूजर्स को कितना ज्यादा अंडरस्टैंड करता है, तो इससे क्या होता है, और उसके बाद जो भी उसमें हमें डाउट्स मिल रहे हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम मिल रहे हैं उसको हम इम्प्रूव करें बेस्ड ऑन द जो भी हमने रिसर्च की है, जो भी हमने टेस्टिंग किया है उसके बेस पे। तो अगर हम ओवरऑल बात करें जो भी सिंपलीफाइंग है, ठीक है, द प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुली, ठीक है, डिजाइनर्स कैन द इंश्योर दैट द यूजर्स कैन क्विकली, ठीक है, यूजर क्या करे, किसी भी इंफॉर्मेशन के ऊपर क्विकली ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके, पढ़ सके, जो भी इंफॉर्मेशन हो उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर पाए, इजीली नेविगेट कर पाए थ्रू द कंटेंट एंड हैव द पॉजिटिव एक्सपीरियंस विद द डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट एंड प्रेजेंटेशन। ठीक है, जो भी हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है, वेबसाइट है, प्रेजेंटेशन है, उसके साथ इजीली कनेक्ट हो पाए, इफेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन, यूजर सेटिस्फेक्शन एंड हेल्प अचीव द कम्युनिकेशन गोल्स ऑफ द डिजाइन। जो भी कम्युनिकेशन गोल है आप डिजाइन के, उसके ऊपर हम आसानी से फोकस कर पाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रेजेंटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन इन सिंपली एंड मीनिंगफुली। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस PDF को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।